कौन बताएगा मुझे लव के बारे में? हाँ तुम बताओ। टीचर लव, हाँ लव एक ऐसी चीज है जो किसी को भी कभी भी और कहीं पे भी हो सकती है। अबे टॉयलेट है क्या? बैठ जा, कोई और बताएगा। मुरझा हुआ फूल हूँ तो क्या हुआ? दर्द है। मुरझा हुआ फूल हूँ तो क्या हुआ? आज भी मुझे वो किताबों के बीच प्यार से रखती है। प्यार, अगर हम उसे डीप में देखें, प्यार है इलेक्ट्रिसिटी एक बल्ब के बीच में होती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या आती? बल्ब की जिंदगी में रोशनी आ जाती है। हम सब इंसान हैं और हर इंसान को लव करना चाहिए। उस पर ये इल्जाम है कि मैं हर बात पे लव का जिक्र करता हूँ। मेरा मानना ये है कि हम सबको लव करना चाहिए। आजकल लव ये शब्द सुनकर लोगों के मुंह से एक घटिया जज्बात की लार टपकती है। मुझे हंगामा पसंद नहीं, मुझे पोगो पसंद है। लव एक चुंगम की तरह होता है, जिसे बार बार चबाना पड़ता है। चबाते जाओ, भले उसमें रस हो या ना हो। हाँ तो लव क्या होता है? वो क्या है? लव मतलब प्यार। प्यार एक धोखा है, पढ़ाई कर लो अभी भी मौका है। लव पानी जैसा होता है जो पाइपलाइन से जुड़ जाता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, लेकिन जाता वही है जहाँ नल खुला होता है। लव मतलब प्यार। प्यार प्यार दोस्ती है। अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं है। सिंपल प्यार दोस्ती है। ओके मिस ब्रिगेंजा, निकलो। लव राम के बेटे का नाम था। राम के दो बेटे थे, कुश और लव। आज हम पढ़ेंगे अश्वमेध के घोड़े के बारे में। किसी को प्यार की कदर ही नहीं है।